नमस्कार साथियों, मैं हूं अरुण सर, स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सहारा रिफंड पोर्टल जो हाल ही में स्टार्ट हुआ है और उस पर जब ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं तो उसमें बहुत से प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रहा है। उसमें जो पहला प्रॉब्लम है, जैसे कि जब भी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन तो आपका आसानी से हो जा रहा है, जब आप लॉगिन कर रहे हैं तो लॉगिन करने के दौरान उसमें आपका आधार वेरिफिकेशन किया जा रहा है। जो भी आधार सत्यापित जब हो रहा है तो उस समय आप 12 डिजिट का अपना आधार नंबर फिल करते हैं और आधार नंबर फिल करने के बाद आप जब OTP प्राप्त करें पर जब आप क्लिक करेंगे तो उस समय आपका OTP तो मोबाइल पर आ जा रहा है, लेकिन आपका जो पेज है वो रिफ्रेश हो करके OTP फिल करने के लिए जो अगला पेज है वो नहीं आ रहा है, केवल वैसे ही आपका पेज होल्ड हो जा रहा है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इसके लिए हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख ले रहे हैं कि कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के दौरान जब हम OTP को वेरीफाई कर रहे हैं, जो आधार वाली OTP है, जब उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं, किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पर आने के बाद जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पर CRCS पोर्टल, जो सहारा का पोर्टल है रिफंड पोर्टल, उसको हमने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। यहाँ पर जमाकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करके सबसे पहले तो हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। तो यहाँ पर आधार का जो लास्ट 4 डिजिट है नंबर में, आधार नंबर में वो 4 डिजिट आप यहाँ पर यूज़ करेंगे और आधार से जुड़ा जो मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को आप यहाँ पर फिल करेंगे और OTP प्राप्त पर क्लिक करेंगे तो CRCS पोर्टल के माध्यम से आपको एक 6 डिजिट का OTP प्राप्त हो जाएगा। जब आपको OTP प्राप्त हो जाएगा तो आप इस बॉक्स पर आएंगे और यहाँ पर आप OTP को यहाँ पर फिल कर लेंगे। तो हमारे द्वारा जो OTP फिल किया जा रहा है वो इस प्रकार है, हम यहाँ पर OTP को वेरीफाई करेंगे और यहाँ पर जो अगला हमारा जो प्रथम चरण है, यहाँ पर जो भी हमारी रूल है, रूल्स रेगुलेशन है, उसको पढ़ लेंगे। उसके बाद यहाँ पर नियम और शर्तें को हम चेक करके मैं सहमत हूँ पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर अगला या नेक्स्ट पर आएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा सेकेंड वाला स्टेप है, यहाँ पर व्यक्तिगत विवरण, यहाँ पर हम आधार नंबर जो हमारा 12 डिजिट का है आधार नंबर, हम इसको पूरा आधार नंबर जो हमारा है उसको हम यहाँ पर फिल करेंगे। आधार नंबर फिल करने के बाद यहाँ पर हम जो साइड में आप देखेंगे OTP प्राप्त करे पर, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि थोड़ी देर तक ये प्रोसेसिंग होगा। जो भी ये प्रोसेसिंग हो रहा है, ऐसा नहीं कि ये प्रोसेसिंग होने के बाद आपको OTP मिल नहीं रहा है। ऐसा कभी कभी ऐसा हो रहा है कि प्रोसेसिंग तो हो रहा है लेकिन OTP जो आपके मोबाइल पे आ रहा है उसे आप फिल करने के लिए आपका जो अगला पेज है वो रिफ्रेश होकर के अगला जो पेज है वो रिडायरेक्ट नहीं हो रहा है, इसके लिए आप यहाँ पर OTP फिल नहीं कर पा रहे। मैंने यहाँ पे कई बार ट्राई किया, 2 बार 3 बार 4 बार यहाँ पर हमने ट्राई भी किया है और ट्राई करने के बाद OTP आ जा रहा है, लेकिन जब OTP आ रहा है तो यहाँ पर अगला हमारा जो बॉक्स है जिसमें हम OTP फिल करेंगे उस बॉक्स में वो पेज जो हमारा है अगला पेज नहीं आ रहा है कि हम वहाँ पर OTP फिल करें। तो ऐसे हमने कई बार ट्राई किया और हम आपको यहाँ पर करके दिखा भी दे रहे हैं कि मतलब 2-3 बार हम यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर दे रहे हैं ताकि ये जो प्रोसेसिंग है आपको देखने को मिल सके। इसका एक ही सॉल्यूशन है कि जब यहाँ पर जो अभी भी हमारा पेज है इस पर वेबसाइट पे ज़्यादा लोड है या फिर ये बिजी है, इसके लिए दिक्कतें हो रही हैं। और अगर आप चाहते हैं फॉर्म को फिल करना और आप इन दिक्कतों का सामना ना करना चाहते हैं तो इसके लिए आप जब सर्वर फ्री हो तो उस समय आप फॉर्म को फिल करिए या फिर लेट नाइट फिल करिए। और इसमें जब आप आधार वेरिफिकेशन कर लेंगे तो अगला जब भी आपका फॉर्म फिल करना होगा उसमें आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। थोड़ी बहुत दिक्कतें सर्वर की तो आती ही रहेंगी, लेकिन आप वो तो फॉर्म फिल करना ही करना है, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा इंतज़ार कर लेंगे। जब सर्वर फ्री हो तो उस समय आप आधार वेरिफिकेशन कर लें और उसके बाद आप आगे का जो भी चरण है तो उसको पूरा करेंगे। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि हमारा द्वारा दी गई जानकारी आपको यूज़फुल लगी होगी और सहारा रिफंड पोर्टल से संबंधित हमारे द्वारा जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से मिलती रहेगी। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो पर एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी प्रकार इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो को देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।